मेरा नाम सलमा शेख है, मैं आज़ाद हॉकर्स यूनियन की महासचिव हूँ और फेरी वाला संघर्ष समिति जो मुंबई में सारे फेरी वालों के लिए संघर्ष कर रहा है उसमें भी काम कर रही हूँ। आज पिछले 13 वर्षों से मैं आज़ाद हॉकर्स यूनियन से जुड़ी हुई हूँ, इसमें काम कर रही हूँ और दयाशंकर सिंह जी मेरे गुरु हैं, ये पिछले 35 वर्षों से इसमें काम कर रहे हैं, यही फाउंडर भी हैं। इस यूनियन को, इस ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड करने का एक मकसद था कि जो फेरी वाले बरसों से धंधा करते हुए आए हैं इस फुटपाथ पर, आज मेरी समझ से 400 बरस का इतिहास है उनका, 4 पीढ़ियाँ उनकी इसमें ख़त्म हो चुकी हैं और ये 5th जनरेशन उनका चल रहा है, तो ये 4 पीढ़ी ख़त्म होने के बावजूद जो उन्हें अब तक उनका अधिकार नहीं मिला है, उस अधिकार को कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, उसकी कोशिश हमारे ट्रेड यूनियन के माध्यम से होती है और तरह तरह के आंदोलन हम लोग करते हैं। और आज 13 वर्षों से जो आंदोलन करके सामने हम लोगों ने लाए हैं, जिसमें न जाने कई बार लाठियों का, डंडों का सामना करना पड़ा है, कितने केसेस हुई हैं, कितने लोगों को उनकी जगह से उठा करके फेंक दिया गया है, उनको डिस्प्लेसमेंट के नाम पर जगह को खाली करवा दिया गया है, ऐसी कितनी सारी घटनाएँ हुई जिसमें महिलाओं को, स्पेशली महिलाओं के लिए भी कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेस जो महिलाओं यहाँ पर धंधा कर सकती है ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे, महिला, बूढ़े व्यक्ति, सारे के सारे लोग परेशान हैं। इसलिए आज़ाद हॉकर्स यूनियन जो पूरे मुंबई शहर में एक ठाणे से लेकर के भाईंदर तक और मुरुंड से लेकर चर्चगेट तक जो एक यूनियन चला रही है, ये एक पूरी तरह से एक उद्देश्य ये है कि यहाँ की गरीब महिलाओं को और जो भी अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर के लोग हैं, इसमें फेरी वाले ही नहीं बल्कि डोमेस्टिक वर्कर्स भी आते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर जो करते हैं, लेबर का जो काम करते हैं वो लोग भी हैं, ये सारे लोगों को लेकर के एक लड़ाई हम लोगों ने लड़ा है। और इस लड़ाइयों को लड़ने के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है जो 9/9/2013 को आया है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक आप फेरी वालों के लिए हॉकिंग जोन नहीं बनाते, हॉकिंग प्लाजा नहीं बनाते, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करते, उनको लाइसेंस नहीं देते हैं, तब तक आप उनको उनकी जगह से हटा नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। आगे का सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग कोई प्रोफेशनल नहीं है, एक्चुअली एक वेंडर के रूप में ज़िंदगी शुरू की और जो कुछ भी हम ग्रीवेंसेस, जो कुछ भी हम समस्याएं झेलते हैं, जो लोगों के नज़रों के टॉर्चर रहे हैं, उसको किस तरह से सामना किया जाए, इसके लिए हम लोगों को संगठित किए। बहुत मुश्किल है फेरी वालों की यूनियन चलाना, क्योंकि फैक्ट्री में यूनियन चलाओगे, NGO चलाओगे, कहीं ना कहीं से आपको समर्थन मिलेगा, लेकिन फेरी वालों का समर्थन करने का मतलब हर दिन लड़ाई लड़ना, हर दिन पुलिस से लड़ाई लड़ना, हर दिन महानगर पालिका से लड़ाई लड़ना, हर दिन उनसे लड़ाई लड़ना जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जिनको फोकट में चाहिए, सामान चाहिए, उनसे लड़ाई लड़ना, ये बहुत साधारण सी बात नहीं है। और जब कभी भी हम मांग के लिए उठते हैं, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, कोई पब्लिक, कोई सिटीजन अगर सरकार से मांग करती है तो सरकार उनकी मांग को सुनती है, दे या नहीं दे वो अलग बात है, लेकिन हम जब कभी मांग करते हैं तो हमें केवल लाठियों का सामना करना पड़ता है, लोगों के को भाजन का सामना करना पड़ता है, हमेशा गलत तरीके से हमारे साथ ट्रीट किया जाता है और हमारे ऊपर पूरी तरह से फाल्स केसेस रजिस्टर्ड की जाती हैं। ये हमारी जिंदगी है, ये अलग बात है कि अभी सारे संघर्षों से हमने सरकार को दबाया और सरकार मजबूर हो गई कि हम फेरी वालों के लिए, हम हॉकर्स स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कुछ करें। और पार्लियामेंट में अभी अभी फेरी वालों के लिए कायदा पास हुआ, वो भी इट इज लेवल टेबल्ड ऑन इन राज्यसभा बट नॉट डिस्कस्ड, और उसके लिए भी 3-4 दिन बाकी हैं। मेरी समझ से राज्यसभा भी उसको पास कर देगा तो हमारी तकदीर होगी, अदरवाइज 5 साल के फिर लिए फिर लटक जाएगा और हमको 5 वर्ष फिर संघर्ष करना पड़ेगा। 125 वर्ष के बाद ये जो कायदा बनने जा रहा है, मैं पूरी तरह से सरकार को, पूरे पार्लियामेंट को, राज्यसभा को, और सबसे बड़ा अगर मैं किसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज माननीय श्री जी एस संघवी साहब और बी गोपाल अगौड़ा साहब, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उससे बड़ा बात जो है, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पूरी दुनिया के लोगों को संगठित किए, पूरे दुनिया को लोगों को लाए, हमारे वेदना, हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारी अचीवमेंट हमारा दुनिया के सामने तक पहुँच रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। संघर्ष को लेकर के मैं एक बार नैरोबी भी जा करके आई हूँ, जिसमें मुझे ये बताना था कि स्ट्रीट चाइल्ड वेंडर क्यों बनते हैं, क्यों ये फुटपाथ पर आते हैं, उनकी समस्या क्या है। और एक ब्राज़ील भी गई थी जिसमें फेरी वालों के लिए, एक डोमेस्टिक वर्कर्स लोगों के लिए काम हो रहा था,
मैं भी आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से ये जो अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर के लोग हैं, इनकी वेदना जो है दुनिया के सामने आएगी, किस तरह का संघर्ष कर रहे हैं, और बहुत अच्छा एक रिजल्ट आएगा, इसलिए आप लोगों को भी धन्यवाद। थैंक यू लॉट।